सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी में। ये हमारे राफेल सॉल्यूशन सीरीज का सेकंड पार्ट होगा और हमने एक पेपर जेल पेरी का आपको सॉल्व करके दे दिया था 29 सितंबर का। मैथ्स वाला पार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही इंग्लिश वाला भी आएगा, ऐसे ही हिंदी और जीके और जीएस के लिए भी आपके पार्ट्स आते जाएंगे। जैसे जैसे सब्जेक्ट का पोर्शन कंप्लीट होता जाएगा उसके बाद हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स का मैंने थोड़ा जल्दी शुरू किया है, आने वाले समय में आपको और भी दूसरी चीज़ें मिलती जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अभाज्य गुणक की घात के गुणनफल के रूप में 486 को व्यक्त करना है। मतलब 486 को आपको रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो 486 से सबसे पहले आप 486 के फैक्टर कीजिए। कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 बार में, 4 बार में, 3 बार में, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 8 बार में और 1 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 27 टाइम, फिर 3 से करेंगे 9 टाइम में, फिर 3 से करेंगे तो 3 टाइम में, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम में। आप ये देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 3 की पावर कितनी आ रही है, 5। 3 5 बार मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, 3 रेस टू दी पावर 5, 3 रेस टू दी पावर 5। और 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 2 रेस टू दी पावर 1, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 रेस टू दी पावर 5 और 2 रेस टू दी पावर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, ऑप्शन जो दूसरा है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, ये मैं हाथ में रखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दिए गए कथन के बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। कर देंगे भैया, रहमान 52 को एक संख्या पी में जोड़ता है। देखो ये 52 लिया, 52 और एक संख्या पी में जोड़ दिया, ये पी में जोड़ता है। उसके बाद योग को 8 से गुणा करता है, तो ये योग को 8 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 8, है ना। यह गुणनफल के रूप में 628 देता है, मतलब ये जो अगर इनटू करेगा तो इक्वल टू 628 देगा। मतलब कितना हो गया आपके पास में, अगर देखें तो 52 प्लस में पी इनटू में 8 इक्वल टू 628, ये आपके पास में बनने वाला। इससे आसान क्या होगा, तो आपके पास में आंसर क्या होगा, 52 प्लस पी इक्वल टू 628 इनटू 8, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है ना, नहीं ऑप्शन नंबर आ रहा है 4 वाला, 52 प्लस पी, हाँ उसका 8 में मल्टीप्लाई और 628, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दे के रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है -30 प्लस -30 की पावर कितना, पावर नहीं है वो डिवाइड है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा है सिंप्लीफिकेशन का, -30 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है प्लस, -30 का पावर कितना दे रखा है, पावर नहीं दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, फिर आगे 10 माइनस ऑफ -30 और इनटू में माइनस का 2। अल्टीमेटली जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम बॉड मास लगाते हैं। बॉड मास आपको पता है, बॉड मास रूल, ब्रैकेट, फिर और, ये ब्रैकेट होता है बिफोर ब्रैकेट, और डिवाइड, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन, और करते हैं इस फॉर्मेट में। पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर और को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस को और फिर माइनस को, आखिरी में माइनस किया जाता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे 30 है, तो -30 है। अगर मैं इसको डिवाइड, पहले सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो ये सॉल्व होगा, तो -30, अब ये देखोगे 30 में 10 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो माइनस का 3 आएगा। अब ये देखोगे माइनस का 3 और ये प्लस है, तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस माइनस भी माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ डिवाइड करोगे 30 को 10 से तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस 3 बचा, माइनस अगर 3 बचा तो ये प्लस और माइनस वापस से माइनस हो गया, दैट मीन्स माइनस 3 बचा, तो ये इतनी पिक्चर खत्म होकर यहाँ पे माइनस 3 आ गया। फिर माइनस में कितना बचेगा, 30 इंटू 2, तो फिर क्या करते हैं, डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो माइनस 30 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, यानी कि ये 60 बचेगा, ये प्लस का 60 हो गया, तो ये माइनस ऐसा कैसा, ये 60 बना, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि माइनस 30 और माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 33 और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है तो 30 और 3 33, 33 में 60 जोड़ देंगे, तो माइनस माइनस फिर से प्लस, और अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 93। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा -93 आएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिख रहा है यहाँ तक, दिख ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, अगला क्वेश्चन बोला है -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर क्वाड्रेंट बनाए तो ऐसा होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस होगी, ये माइनस एक्स एक्सिस होगी, ये वाई और ये माइनस वाई, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे एक्स की वैल्यू नेगेटिव,
सॉरी हाँ, ऊपर एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव, और अगर यहाँ बात करें तो ये पॉइंट 0, 0. अब आपसे क्या बोला है, आपका पॉइंट क्या है, -3 और 5. तो -3 किधर आएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव इधर आएगी, और +5 है मतलब +5 वाई में ऊपर जाएगा, मतलब -3 इधर आएगा ऊपर जाएगा, मतलब पॉइंट इस यहाँ पे कहीं पड़ेगा. और ये कौन सा होता है, पहला और दूसरा, दूसरा क्वाड्रेंट होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट विल बी द राइट आंसर. तो बी वाला, ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, फर्स्ट वाला ऑप्शन वो करेक्ट है, सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा. देखो, अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, लिख लो, अगर मैं x की पावर n प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करूँ तो शेषफल बचेगा 0. मतलब कि x की पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से, x की पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है. ऐसे ही x की पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है. मतलब यहाँ शेषफल ये दोनों ही क्या देते हैं, 0 देते हैं. ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, नंबर सिस्टम का पढ़ाएंगे जब अच्छे से बताएंगे और. ठीक है, अभी भी अच्छे से ही बता रहा हूँ, देख लो. तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है. इसका मतलब जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 5 प्लस 1 और नीचे लिख दिया 5 प्लस 1, तो 5 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा तो शेषफल 0 बचेगा. बोलो हाँ, क्लियर है. तो ये बात ध्यान रखना कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है. तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जरा देखो. तो 4 की घात 16 5 से विभाजित करने पे क्या शेषफल देगा, तो आप लिखो 4 की घात 16 और 5 से विभाजित करना है मतलब डिवाइड बाय 5. क्लियर है. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 4 की घात 16 को आप लिख सकते हैं 5 - 1 की घात 16. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या फिर एक काम करो, इसको ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, इस 4 की घात 16 को सेम रहने दो. ठीक है, आपने क्या किया, इसको 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर दो. तो आप क्या करोगे, 4 की घात 16 प्लस 1 - 1. क्लियर है, आप ऐसा कर सकते हो, 4 की घात 16 में 1 जोड़ के 1 घटा सकते हैं, तो 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं. और नीचे 5 लिख देते हैं. अब मेरे दोस्त, इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 1. ज़रा कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना. तो 5 को लिख दिया मैंने 4 - 1, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों टर्म को साथ में लिख लो, तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 16 माइनस 1. अच्छा, 5 को आपने 4 - 1 क्यों लिखोगे, 4 + 1 लिखोगे ना, सॉरी गलती हो गई, 5 को आप लिखेंगे 4 + 1. तो यहाँ पे देखो 4 + 1 हो गया. अब देखो 4 की घात 16 + 1 है, 4 की घात 16 + 1 है, तो 4 की घात 16 + 1 तो आ गया, और यहाँ -1, ये -1 बचा. ठीक है, और अपॉन 4 + 1, तो आपको पता है 4 की पावर 16 + 1 अपॉन 4 + 1. अभी मैंने आपको बताया x की पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 पूरा पूरा डिवाइड होता है, मतलब इसको तो ये पूरा डिवाइड कर देगा लेकिन इस 1 को नहीं कर पाएगा, यानी कि ये 1 बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 1. ठीक है, तो यहाँ पे -1, माइनस का कोई लोचा नहीं है, सिर्फ 1 बचेगा अल्टीमेटली. यहाँ जो डिजिट आ जाएगी वो शेषफल बचेगा. ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा अल्टीमेटली, इसका आंसर क्या आएगा, 1. नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा. अगले क्वेश्चन में आपसे बोल के रखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवाणु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है. एक छोटा सा माइक्रो बैक्टीरिया है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो 40,000 गुना उसको बड़ा दिखाता है. मतलब 5 सेंटीमीटर के जीवाणु को वो क्या करता है, 40,000 गुना बड़ा बनाता है. ठीक है, तो आपको बताना है कि यदि माइक्रोस्कोप का प्रयोग 2 मिलीमीटर लंबाई वाले विषाणु को देखने के लिए किया जा रहा है, मतलब अगर वायरस 2 mm का है तो भी क्या, देखो माइक्रोस्कोप तो सेम है, तो जितना 4 सेंटीमीटर वाले को बड़ा करेगा, जूम करेगा, उतना ही 2 mm वाले को उतने ही गुना बड़ा करेगा. तो अगर 2 mm है तो इसको भी 40,000 गुना बड़ा करेगा, यानी कि 2 × 40,000. अगर इसका 40,000 गुना बड़ा करेंगे तो 2 × 40,000 गुना हो जाएगा. क्लियर है, तो ये इसको इतना बड़ा दिखाता है. यदि उस माइक्रोस्कोप का प्रयोग 2 mm वाले विषाणु को देखने के लिए किया जाता है तो इसके वास्तविक आकार से विस्तारित आकार का अनुपात क्या होगा. मतलब इस बैक्टीरिया का जो वास्तविक आकार है, जो कि 2 mm है, उसका रेशियो निकालना है. उसका रेशियो मतलब उसके अपॉन में आपको क्या करना है, इसका विस्तारित आकार. विस्तारित मतलब जितना वो मैक्सिमाइज कर देगा, जितना जूम इन कर देगा. तो जूम इन कितना करेगा, 40,000x, 40,000 गुना कर देगा. तो अगर यहाँ देखेंगे तो 2 में 40,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि गुरु जी यहाँ से 80,000 आ जाएगा, 80,000 mm. आपको बताना है 80,000 mm और 2 mm वास्तविक का बढ़ने के बाद का रेशो. तो 2 mm को आप डिवाइड करेंगे किससे, 80,000 mm से. ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, mm से mm कोई मतलब ही नहीं है. मतलब 2 / 80,000 आपका आंसर होगा.
अब देखो वो पावर के फॉर्म में लिखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। ये 80,000 को आप लिख सकते हो, चार जीरो को हटा के 10^4 कर दिया। अगर 10^4 नीचे, तो इसको यहाँ से हटा के ऊपर ले जाएंगे, तो 10^-4 हो जाएगा। जब पॉजिटिव पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, तो 10^-4 हो गया। अब मेरी बात सुनो, दो से इसको काटेंगे चार बार में। अब ये यहाँ बचा एक, और 1/4 आपको पता है 0.25 होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि गुरु जी 0.25 × 10^-4 आएगा आंसर। अब देखो 0.25 × 10^-4 तो है नहीं ऑप्शन में, तो 2.5 है। तो इस पॉइंट को अगर एक कदम यहाँ खसकाओगे, इस पॉइंट को एक कदम यहाँ खसकाओगे आगे की तरफ, तो माइनस में एक पावर और बढ़ जाएगी, यानी कि 2.5 × 10^-4 हो जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है? अगर ये समझ में नहीं आता कैसे आया, तो आप देखो कैसे आया, 5 हो जाएगा, सॉरी कैसे आया, तो मैं बोलूँ एक काम करो, इस पॉइंट को यहाँ से हटाओ, इस पॉइंट को आपको हटाना है, या फिर एक काम करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ये आंसर आपको 2 पॉइंट में दे रखा है, मतलब इस पॉइंट को आगे खसकाना है। अगर इस पॉइंट को आप आगे खसकाना चाहते हैं, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये पॉइंट आगे खसकेगा, है ना? तो अगर 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल, अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आगे खसक जाएगा, मतलब कि 2.5 × 10^-4 हो जाएगा। और नीचे ये 10 जो है ये रह गया, और ये 10 वापस से ऊपर गया, तो 10^-1 हो गया। और जब पावर ऐड हुई तो -1 + 4 कितना हो गया, -5, यानी 2.5 × 10^-5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, देखो पहली इक्वेशन दे रखी 11p + 5q − 12, 12r है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4pq + 3q, और तीसरी इक्वेशन क्या है, 4q + 16pq − 6p। अब आप देख लो p कितने हैं, तो ये 11p और p यहाँ पे है क्या, नहीं है यहाँ पे है, तो 11 और 6 कितना हो गया, 17p। तो ये p का तो मैटर ख़त्म हो गया यहाँ से। q देख लो, 5q 3q, 5 और 3 कितना, 8q, 8 और 4 कितना, 12, तो ये भी प्लस का, यानी कि 12q। देख लो p और q, 17p और 12q किस में आ रहा है, वो आपका आंसर है 17p 12q, थर्ड वाला ऑप्शन राइट, थर्ड वाला आंसर होगा। नेक्स्ट, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों सॉल्व करें जब डायरेक्ट ही आ गया। तो अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 3 सेंटीमीटर किनारे वाली चीनी का एक टुकड़ा डालने पर गिलास 2 मिलीमीटर ऊपर दूध उड़ जाता है। 3 सेंटीमीटर कोर वाली एक चीनी का टुकड़ा, अगर आइस क्यूब चीनी का टुकड़ा अगर हम डालें गिलास में, तो वो क्या करेगा, 2 मिलीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो 6 मिलीमीटर दूध ऊपर उठाने के लिए, देखो 3 सेंटीमीटर में 2 mm उठता है, 2 mm ऊपर उठ जाता है दूध, तो 6 mm उठाना है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, कितना बताना है, 2 mm दूध ऊपर की उठता है, तो 6 मिलीमीटर दूध को ऊपर उठाने के लिए कितनी चीनी लगेगी, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 क्यूब आपको लगेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 क्यूब 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, 1 क्यूब से आपका 2 mm स्तर उठ जाता है दूध का, तो 1 क्यूब से अगर 2 mm स्तर उठ जाता है, तो 6 mm अगर इसको बनाना है, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 1 में भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 3 क्यूब लगेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या, आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, जेएलपीटी का पेपर 20 out of 20 लेकर आओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। यदि मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है, और समूह में प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है, तो समूह में मछलियों की संख्या बताना है। 3 किलो की एक मछली और 150 ग्राम एक मछली का, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 150 यानी कि 450, ठीक है, सॉरी, अच्छा दूसरा बोला है, यदि मछलियों का एक समूह 3 किलोग्राम है, ठीक है, तो पूरे समूह का वजन बोला है 3 किलोग्राम, तो 3 kg का पूरा समूह, तो 3 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 3000 ग्राम, ठीक से पढ़ना भी है क्वेश्चन को, तो 3000 ग्राम पूरे ग्रुप में मछलियाँ हैं, और एक मछली 150 ग्राम की, तो एक मछली 150 की है, तो 150 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो आपको पता चल जाएगा कितनी मछली है पूरे समूह में, तो इस 0 से 0 गया, 15 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 20, ठीक है, अल्टीमेटली 20 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या बोला, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की डिस्क की परिधि बताना है। तो आप देखो, परिधि का मतलब जो होता है वो होता है सर्कमफेरेंस। अगर सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल की, एक सर्कल है, इसकी रेडियस अगर आर है, तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे जाना,
और यहाँ तक वापस आओगे तो इसको बोलते हैं परिधि यानी सरकमफेरेंस, और इसको निकाला जाता है किससे, 2πr करके। ये फार्मूला होता है सरकमफेरेंस का, 2πr। तो 2π की वैल्यू 22/7 होती है और r आपको दे रखा है रेडियस कितना, 21। तो आप ये देखेंगे 7 से कटेगा 3 बार में, और आप देखेंगे 2 × 2 = 4 = 12, मतलब आखिरी में जिसके 2 आएगा वो आंसर होगा। आखिरी में 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, 32 वाले में, 132 इसका आंसर होगा। मल्टीप्लाई कर लेना 22 का 2 में और फिर 3 में, 132 ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, 75% धन खर्च करने के बाद रितिका के पर्स में 750 रुपये बचते हैं तो मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी। देखो 75 खर्चा करने के बाद 750 बच रहे हैं, मतलब 75% अगर देखो टोटल अगर 100% रहे होंगे उसमें से 75% हटा दिया तो बचा कितना, 25%। और ये 25% उसने बोला है 25% की वैल्यू 750 है, बोलो हाँ। अगर 25% की वैल्यू 750 है तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 25% 750 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, मूल राशि यानी कि 100% निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 25 × 4 300 होता है, और ये 0 फ्री में यानी कि 3000 आंसर, ठीक है। अरे भाई 100% निकालना था तो 25 × 100% और 100% की वैल्यू कितनी, 750 × 4 यानी कि 3000, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अमल को एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, ठीक है। मोटरसाइकिल की कीमत 92,750 रुपये है, उसके हाथ में केवल 87,150 रुपये हैं, तो आपको क्या करना है, मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए उसे और कितने पैसे की ज़रूरत है। भाई इतने पैसे, 92,750 की मोटरसाइकिल है, 87,150 है उसके पास, तो कितने और ज़रूरत है, तो 92,000 वाले में से 87,000 वाले को घटा दो, ऐसे क्वेश्चन करते ही नहीं मैं, आंसर आएगा 5,600। नेक्स्ट देखते हैं, एक छात्र प्रातः 9:40 बजे अपने विद्यालय को जाता है, ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन अच्छा है। 9:40 बंदा जाता है स्कूल, ठीक है, और 4:15 बजे आता है, 4:15 पे शाम को घर आ जाता है, ठीक है, घर वापस आता है। यदि आने जाने में आधा घंटा लगता है तो 30 मिनट लगते हैं आने जाने में, 30 मिनट आने जाने में लगता है, तो विद्यालय से उसके, विद्यालय में उसके द्वारा जो टाइम बिताया है वो बताना है। मेरे दोस्त देखो, इस समय में आने जाने का समय भी इंक्लूड हो गया, तो पहले इस समय में से आने जाने का समय तो हटाओ, तो जो इस समय में आने जाने का समय 30 मिनट ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो 30 मिनट जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा उसको लग रहे आने जाने में वो हटा दो। तो 30 मिनट जो आने जाने के अगर हटाए तो हम क्या मिलेगा, हमको वो विद्यालय में कितना टाइम लगा। अगर 30 मिनट इसमें से हटाएंगे तो 15 मिनट तो ये कटका दो, और 4 बज गए 15 मिनट हटाने के बाद, 4 में से फिर क्या करेंगे 15 और हटाएंगे तो 3:45 बचा, 3:45 मतलब 3:45 तक वो विद्यालय में रहेगा, आधा घंटा आने जाने का पहले ही हटा दिया हमने। तो यहाँ से देखो 9:40 से 3:40 तक पहले देख लो, 3:45 है तो 3:45 को 40+5 कर लो, तो आप बोलोगे 9:40 से 3:40 तक कितना समय हुआ, तो 9 से 3 अगर बजाएंगे तो कितना, 9 से 10 11 12 1 2 3 यानी कि 6 घंटे हुए, 6 घंटे तो ये हो गए, और 5 मिनट ही एक्स्ट्रा और लग रहा है, तो 6 घंटे 5 मिनट वो विद्यालय में ठहरा है, बाकी तो आने जाने वगैरह का सब हटा हुआ होते, 6 घंटे 5 मिनट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, एक 3 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है। देखो मेरी बात सुनो, अगर 3 अंक की संख्या है तो ये 1, 2 और 3, यहाँ होता है इकाई अंक, यहाँ होता है दहाई का अंक, और यहाँ होता है सैकड़े का अंक, दैट मीन्स ये यूनिट प्लेस, ये टेंथ प्लेस, और ये आपका 100th प्लेस होता है, इतना क्लियर है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से सबसे पहले आप देखो कि 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ो और उस कंडीशन को फॉलो करते हुए देखो कि किस ऑप्शन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपसे क्या बोला है, 3 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है, मतलब यहाँ का जो अंक होगा सैकड़े का अंक उसका उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दहाई का अंक आना चाहिए। अब आप ऑप्शन देखो, पहला 268 है, दूसरा 628 है, देखो पहला 268 है, दूसरा कितना है 628, तीसरा ऑप्शन क्या है 286, और थर्ड ऑप्शन क्या है 826। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई संख्या होनी चाहिए जिसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये संख्या आ जानी चाहिए, तो यहाँ की संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, क्या 6 आता है, बिल्कुल सही है, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करो, क्या 2 आता है, गलत है, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, क्या 8 आता है, गलत है, 8 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 8 × 24 आता है, 2 आता है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन सही है, खत्म। अगला देखो, अब k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण की जो प्रणाली है उसके असीमित हल हो, असीमित हल हो, कहीं हो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये चैप्टर है क्लास 10th में,
इसमें आपको तीन कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन तो ये कि अगर आपको दो इक्वेशन लिख के दे दे, जैसे पहली इक्वेशन आपको दे दी a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और दूसरी इक्वेशन दे दी a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ठीक है। तो इसमें तीन केस बनते हैं। पहला केस तो ये बनता है कि अगर दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट का रेशो a1 upon a2 बराबर आ जाए किसके, b1 upon b2 के, और ये भी b1 upon b2 मतलब y के कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट का रेशो यानी कि c1 upon c2 अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो इसके होते हैं अनंत हल, अनंत हल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। थोड़ी सी राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मैनेज कर लेना आपको उसके साथ में। दूसरा अगर देखें तो अगर a1 upon a2 नहीं आए b1 upon b2 के इक्वल, ये वाली कंडीशन बन जाए, तो इस केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, सिर्फ एक ही हल होगा उस एक समीकरण का ऐसे कंडीशन में। अगर आपके पास में थर्ड केस ये बन जाए कि a1 upon a2 बराबर तो आ जाए b1 upon b2 के, लेकिन c1 upon c2 कभी बराबर नहीं आए, ये कंडीशन बन जाए, लेकिन इसका रेशो जब देखें कांस्टेंट का तो वो इक्वल नहीं आए, तब आपके पास में नो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का। नो सॉल्यूशन यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशन का, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, k का निकालना है असीमित कई हल। असीमित कई हल मतलब आपसे बोला है अनंत हल वाला केस, मतलब कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकालना है। मतलब आप क्या चेक करोगे, ये वाली कंडीशन a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 तीनों बराबर होना चाहिए। अगर तीनों बराबर है तो किसी को भी बराबर रख सकते हैं, किसी को भी बराबर रख सकते हैं तो k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैं इसको हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इसको भी हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको भी हटा रहा हूँ। अब आप ये समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके ले लीजिए अगर लेना है तो। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, kx प्लस में 3y बराबर में 26। दूसरी इक्वेशन क्या है, 21x प्लस में k प्लस 2 इंटू वाई बराबर में 71 प्लस k, ये दे के रखा है। अब आप देखिए x के कोफिशिएंट का रेशो यानी कि k अपॉन 21 ये बराबर होना चाहिए इनके y के कोफिशिएंट, क्योंकि सभी आपस में बराबर है तो किसी को भी रख सकते हैं, तो 3 अपॉन k प्लस 2। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, k इंटू k प्लस 2 बराबर में 21 इंटू 3, तो 21 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है, 63। अब मुझे दो संख्या ऐसी बताओ जिसका गुणा करे, मतलब यहाँ के रखूँ और यहाँ के में दो जोड़ के रखूँ और दोनों का गुणा करूँ तो 63 आ जाए। आप ऑप्शन से उठाओ, 9, 7, 6 और 9 उठाऊँगा तो 9 और 9, 2, 11, 9 × 11 कितना होता है, 99 नहीं होगा। 7 उठाऊँगा तो 7, 7 और 7 और 2, 9 तो 7 और 9, 7 9, 63 हो गया। 7, 7 सर हटा लो अलग, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अब यहाँ पे देखा है इसका वर्गमूल निकालना है। देखो वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। धीरे बताता हूँ, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। समझ आ रही बात, मतलब ये जो संख्या इतनी बड़ी आपके पास में लिखी है, ये किसी ने किसी का वर्ग है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगर वर्ग है तो जैसे मैं लिखा हूँ 24 का, या आप लिख लो 8 का स्क्वायर तो कितना आता है, 64, 64 आता है। मतलब अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, मतलब आखिरी डिजिट क्या आएगी इसमें, 4 आएगी 64 में, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, मतलब आखिरी डिजिट 4। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, मैं लेता हूँ 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, मतलब लास्ट डिजिट 4 आएगी। तो ऐसे ही आप बताओ लास्ट डिजिट 1 कब आ सकती है, जैसे मैं अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ तो 81 आएगी, तो लास्ट डिजिट 1 आएगी इसके अंदर 9 का स्क्वायर करने पे। या फिर मैं क्या करूँ, किसी के पीछे 1 हो यानी कि 11 का स्क्वायर करूँ तो 121 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट 1 आएगी। मतलब सिर्फ दो ही केस ऐसे बनते हैं, एक तो आप 9 का स्क्वायर कर लो या फिर 1 का स्क्वायर कर लो। तो अगर 9 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे जो डिजिट बनेगी उसमें आखिरी में 1 आएगा, और अगर 1 जिसके पीछे है संख्या के पीछे उसका स्क्वायर करोगे ऐसी संख्या का, तब आपके पास में आखिरी डिजिट हमेशा 1 बनेगी। तो आपको देखना है कि इस जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसमें आखिरी डिजिट 1 बन रही है। तो आखिरी डिजिट 1 कब बन सकती है, जब जिस चीज़ का आप स्क्वायर कर रहे हैं उसके पीछे 9 या 1 हो। तो आप देखेंगे 9 और 1 को ढूंढेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं, सेकंड वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन जिसके आखिरी में 7 और 3 है, तो इनको तो देख के ही गोली मार देना, 7 और 3 तो आएगा ही नहीं। या तो 56871 आएगा या फिर 1999 आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 1999 आएगा तो आप क्या करोगे, उसके पास वाला नंबर ले लो एक और चेक कर लो, 2000 उसके पास होता है। तो अगर 2000 को मैं लूँ तो 2000 का स्क्वायर करूँगा तो 2000, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 60। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर ये 3 0 हुई, ये 3 0 हुई यानी कि 6 0 हुई। अरे मेरे दोस्त 6 0 ये है और एक डिजिट ये है, 60 डिजिट है। आपका क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन में कितनी डिजिट है,
नौ के ऊपर नौ डिजिट है, तीन तीन छः तीन नौ और नौ से ज़्यादा डिजिट है दस, तो सात डिजिट का आंसर हो सकता है क्या? दस डिजिट ऑलरेडी दे रखी, तो सात वाला तो हो ही नहीं सकता, तो बचा सिर्फ एक, और वो एक कौन सा है मेरे दोस्त? एक वाला जिसमें है। तो पहला वाला ऑप्शन आप इसका करेक्ट है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए ट्रिक बताऊँगा आराम से। तो वो एक मतलब ट्रिक क्या, एक पूरा लेक्चर ही बना देंगे उसमें, स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब पढ़ाएंगे अभी, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। कौन सा पूर्ण घन नहीं है? अब वो वापस से क्यूब वाली बात आ गई, तो अगर क्यूब वाली बात देखनी है आपको कि कौन सा क्यूब नहीं है, तो 343 जो होता है ये तो 7 का क्यूब होता है। उसके बाद में 27,000 की बात करें तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है, और 1,000 करेंगे मतलब 10 का क्यूब, मतलब ये भी किसका हो गया? 30 का क्यूब हो गया, ठीक है। 80,000 की बात करें तो ये क्यूब नहीं होगा, 64,000 ज़रूर होता है। 64,000 कैसे हो जाएगा? 4 × 16 = 64, यानी कि ये 4 का क्यूब है, और ये 10 का क्यूब, यानी कि ये 40 का क्यूब हो गया, ठीक है। ये नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ये किसी का भी क्यूब नहीं, हटा देते हैं इसको, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो इसको मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में कैसे लिखोगे? दो क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। मानक रूप में लिखना है 7 × 10^4, 10^4 मतलब 40, 7 × 10^4 यानी कि 7 × 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या है? 6 × 10^3, तो 6 × 10^3 यानी कि 30। फिर देखेंगे प्लस 5 × 10^3 कितना है, 5 × 10^3 कितना दे रखा है? 3, यानी कि 1, 2, 3। उसके बाद क्या है? 4 × 10^1 यानी 4 × 10। फिर 5 × 10^0, किसी की घात 0 मतलब 1 होता है, तो 5 × 1 करेंगे तो 5। और फिर आखिरी में क्या दे रखा है? 3 भी दे रखा है, तो 3 फ्री में, ठीक है। ये संख्या है तो इनका मानक रूप आपको बताना है, तो पहले तो इनको जोड़ लो, फिर मानक रूप की बात बताता हूँ कैसे करना है। 5 और 3 कितना हो गया? 8। ये 4 ऐसा कैसे ही, यहाँ पे ये 0 है तो 0, 6 और 5 = 11, और यहाँ पे एक तो ये 8, 81048 आ गया, कितना आ गया? 81048। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मानक रूप जो होता है, मानक रूप होता है एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट के फॉर्म में बताना है, एक डिजिट के बाद जब पॉइंट लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं मानक रूप। तो एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगाना है तो मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को कितना खसकाना है? 1, 2, 3 और 4, 4 खसकाना है, मतलब पॉइंट यहाँ आ गया, तो 4 पॉइंट अगर आपने खसकाया तो 10^4 से आपको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है? क्योंकि ये पॉइंट फॉर्म में लिखा, फिर 10^4 से मल्टीप्लाई किया, 10^4 का मतलब 4 0 4 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 0 से मल्टीप्लाई होकर पॉइंट वापस उधर सरक जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये मानक रूप है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 18 भी हो गया, 19वां देखते हैं। 4^2x और =1^128, देखो 4^2x बराबर में कितना है? 1/128। एक काम करो, इस 4 को आप ऐसे लिख लो, 2^2, 2^2 4 होता है, और 2x ऑलरेडी है तो 2x यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में। अब इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1/128 है, तो 1/2 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128, तो 64 तक गए हम लोग, तो 2^5 = 32 होता है, 6 = 64 होता है, और 7 × 128 होता है, मतलब 2^7 आप इसको लिख सकते हैं, 128 को फैक्टर करके देख लेना, 2^7 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ 2^7 को, तो आप ये पाएंगे कि 2^ कितना आएगा? 4x, और ये बराबर होगा किसके ऊपर जाके, यानी कि 2^-7 के। आप देखेंगे बेस सेम है, पावर कंपेयर कर लो, 4x की वैल्यू -7 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -7/4, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो -7/4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है? ओहो वाओ, इफ -a/b (c/d) = 1 है, तो -a/b (c/d) बराबर में कितना है? 1। थोड़ा सा बड़ा कर देना, दिख जाए ठीक से। इफ़ माइनस ए, थोड़ा छोटा करो यार, छोटा करो। इफ़ -a/b (c/d) = 1 है, देन c/d ये कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मुझे बताओ, c/d अगर निकालूंगा तो c/d कितना होगा? तो आप कहेंगे ये उधर चले जाएगा, यानी कि 1/-a/b हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये -a/b का व्युत्क्रम है, तो आप आंसर में देखो -a/b का व्युत्क्रम है, देखो ये व्युत्क्रम हो गया ना, c/d -a/b का व्युत्क्रम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, -a/b का व्युत्क्रम है, थर्ड वाला आ रहा है, परफेक्ट, हटा दो। और कितने बचे? एक क्वेश्चन और बचा शायद, हो गया, चलो ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि
ये हमारा फास्ट सॉल्यूशन था, तो हमने आपको पूरा जेल प्रेरी का पेपर सॉल्व करके बताया। ऐसे वीडियो कंटिन्यूस मिलती रहेगी, एक बार थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं इंग्लिश का भी स्टार्ट करूँगा, साइंस जीके सबकी वीडियो आपको ऐसे मिलती रहेगी और आपका पूरा बहुत शानदार तरीके से तैयार होगी। टेंशन मत लीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पास में बेल आइकॉन बनकर आएगा उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेहनत हमारी पसंद आती है, आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप मैथ्स के सिलेबस की चीज़ें देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से, ये तो मैंने सॉल्व किया, मैं पढ़ाता किस तरह से हूँ, किस तरह से समझाता हूँ, बहुत धीरे, सॉल्व बहुत तेज किया लेकिन पढ़ाते बहुत आराम से समझाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कर करके आप बिल्कुल सारे वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं सारे टॉपिक अपने कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।